शासकीय स्कूलों के बच्चों को मंच प्रदान करने और उनमें छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए कार्यक्रम अनुगूंज का आयोजन मानस भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर कार्यक्रम अनुगूंज का संभाग स्तरीय आयोजन मानस भवन में हुआ, जिसमें करीब 15 सरकारी स्कूलों के 250 बच्चों ने भाग लेकर अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। सामूहिक गायन, सामूहिक नृत्य के साथ ही हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें बच्चों के द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। अनुगूंज कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का एक बहुत ही अच्छा ये प्रयास है कि जो शासकीय स्कूल के बच्चे हैं, जिनके अंदर तमाम प्रतिभाएँ छिपी हुई हैं और उनको उचित मंच नहीं मिल पाता, मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, वो प्रतिभाएं आगे निखर नहीं पाती हैं, तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज जबलपुर में भी ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है मानस भवन में। और करीब 250 बच्चे कक्षा 9 और 11 के शासकीय स्कूल के यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, एक प्लेटफार्म दे रहे हैं, एक मंच दे रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बच्चे यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को हम प्रशस्ति पत्र सम्मान पत्र के कार्य यहाँ पर सम्मानित करेंगे। थैंक यू। शिक्षा का एक विशेष चरण जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनकी प्रतिभाओं का विकास करके प्राप्त किया जा सकता है, जिसे नई शिक्षा नीति में एक विशेष स्थान दिया गया है, उसके अंतर्गत जबलपुर संभाग का अनुगूंज कार्यक्रम आज यहां पर मानस भवन में 12 बजे से 3 बजे तक किया जा रहा है। इसमें 15 विद्यालय के विद्यार्थियों ने, जो कि विशेषकर कक्षा 9 और 11 के हैं, अपना कार्यक्रम तैयार करके यहाँ प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। सभी छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए शिक्षा विभाग के सभी लोग यहां उपस्थित थे। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नई शिक्षा नीति में बच्चों के बहुमुखी विकास की संभावनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और इसी के तहत पूरे प्रदेश में अनुगूंज जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।